इंडिया पाकिस्तान के कॉमेडी के महासंग्राम का आज चौथा और आखिरी पड़ाव है। क्या इंडिया का महायोद्धा पाकिस्तान के शकील असलम की जोड़ी को मात दे पाएगा? कौन ले जाएगा कॉमेडी के महाराजा की पगड़ी? कौन सा देश ले जाएगा जीत की ट्रॉफी, इंडिया या पाकिस्तान? वेलकम टू इंडो पाक कॉमेडी का महासंग्राम। आज है बहुत खास एपिसोड, आज ग्रैंड फिनाले एपिसोड के पहले का आखिरी एपिसोड। आज के एपिसोड में डिसाइड हो जाएगा कि कौन कलाकार पहुंचेगा ग्रैंड फिनाले एपिसोड में, पाकिस्तान का कलाकार या फिर इंडिया का कलाकार। अरे हाँ, ग्रैंड फिनाले एपिसोड में जो होगा विनर, जो सबसे ज्यादा हंसाएगा, उसको मिलेगी एक चीज। क्या है? चीज क्या है, आइए। शानदार ट्रॉफी। ट्रॉफी, अब देखते हैं ये एक ट्रॉफी कौन सी कंट्री लेके जाती, इंडिया या पाकिस्तान। अरे ये ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान की है। अच्छा, आपने देखा नहीं पिछले हफ्ते हमारे दोनों महायोद्धाओं ने, यानी इमरान और शकील ने, कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, और उनकी परफॉर्मेंस की वजह से ये ट्रॉफी हम लेके जाएंगे। हम ऐसे जबरदस्ती ठोक ठोक के हम लेके जाएंगे। और इस बार इंडिया की तरफ से जो हारा है जबरदस्त फनकार, उबलता उभरता हुआ श्रीकांत। अरे हमारे दोनों महायोद्धाओं की तैयारी भी पूरी है। You know, I have got very good surprise. क्या क्या? For you guys and for this guys. आपको पता है हमारे शो में कौन आने वाला है? कौन आने वाला है? दो भाई। आज अपुन के शो पे कौन आया भाई? कॉमेडी की हिट जोड़ी मस्ती करने आए, हंसा हंसा के जो सबके पेट को दुखाए। हाय रे हाय, 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 रवि नावे शो पे आए। हाय भैया, सब कुछ ठीक था? सब ठीक था हाँ, लेकिन आपने हमको भाई क्यों बुलाया? एक्चुअली क्या ना, आजकल मैं सबको भाई बोलती हूँ, मुझे छोड़ के। अच्छा चलिए ठीक है, लेकिन नावेद हाँ यार, वी हैव कम अंडर एस्टीम्ड कंपनी। यस ऑफ कोर्स। एक एक वेलकम नोट हो जाए यार। हो जाए हाँ बिल्कुल सर, हो जाए, बोलिए ना, हो जाए, तालियां तालियां, हो जाए, हो जाए तालियां, शुरू कर। ओके, बू वेलकम। अबे ढक्कन पूर के बू बहुत हो गया, बू से बाहर निकल, बू से बाहर निकल, ये इनका शो है, हम लोगों का शो है। हाँ शुरू कर। ओके, कू कू वेलकम। बू तो सुना था, ये कू का है? कॉमेडी का बादशाह कू। वन टू थ्री कू। यस, ऐसे होता है सर, ऐसे होता है, ऐसे होता है। ये क्या है ना, ये समझता नहीं है। अबे मैं क्या नहीं समझता हूँ? समझता है, समझता है, कभी कभी बात करते हैं औकात की, अपनी औकात देखिए। अबे औकात की बात कर रहा है, औकात की बात कर रहा है। और क्या? एक मिनट आपको बताता हूँ। हाँ, आपके शो के लिए हम लोग आ रहे थे, आ रहे थे, बाहर एक भिकमंगा मिल गया हमको, बहुत अच्छे हैं। हाँ। नावेद को बोलता है, हाँ। नावेद भाई मुझे एक चारा ना दे दो। नावेद बड़ा खुश हो गया, बोले यार आज के भिकमंगे चारा ना मांग रहे, आजकल तो 10 रुपए मांगते हैं, 20 रुपए मांगते हैं, बहुत कम है। तो बोले यार तुम बड़े नेक आदमी हो, चारा ना मांग रहे हो? हाँ, क्या चारा? भिकमंगा उसको देख के बोलता है, क्या यार मैं आदमी की औकात देख के भीख मांगता हूं। वो तेरी शक्ल से समझ गया कि असली भिकमंगा कौन है। अब तो हो गया सो हो गया, सच्चाई बता रहा तो क्या? शक्ल की बात करता है ये। हाँ। देखिए जब नया नया बच्चा जब पैदा होता है, अरे बच्चा बाहर निकलता है, अरे हाँ, तो डॉक्टर उसको उठाता है, थप्पड़ मारता है कि बच्चा रोए। हाँ ऐसा, जब ये पैदा हुआ था ना, डॉक्टर ने अपने आप को मारा था, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। आपको पता है इनकी मम्मी जो है, हमारी आंटी, हाँ, रोटी कैसे बनाती, कैसे कैसे बनाती है? इसको बाहर धूप में 1 घंटा खड़ा करके, जब ये पूरा गर्म हो जाता है, हाँ, इसके टकले पे रोटी लगा के फिर सेकती है। बात करते हैं यार, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। एक बात जरूर कहूंगा, हाँ कहिए, कि मरने के बाद भी काम में आएगा ये। हाँ कैसे कैसे?
जब ये मरेगा इसकी अर्थी जलेगी, बहुत अच्छा, इसकी अर्थी की राख लेके अर्थियों की राख लेके मैं घर पे रखूंगा, बहुत मजा आएगा। अरे यार राजू भाई, मेरी लेफ्ट आंख में आंसू आ गया, मैं बड़ा इमोशनल हो गया यार। यू केयर फॉर मी सो मच, मतलब तुम मेरी अर्थी की राख जो है अपने घर पे रखेगा और मुझे याद करेगा, सजाओगे? याद करने के लिए नहीं, काम वाले को दूंगा, बर्तन मांजने के लिए काम आएगी। काम तो आए किसी के, काम तो आए, है ना, काम तो आए किसी के। सर लेकिन मैं एक बात सोच रहा हूँ, हम लोग यहाँ इतना झगड़ा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ महासंग्राम हो रहा है यार। तो यहाँ पे महासंग्राम हो रहा है, तेरा मेरा नहीं हो रहा। तो क्यों कर रहे हैं हम लोग? किसका हो रहा है? हाँ तो क्यों कर रहे हैं? मैं तो मैं इंडिया के साथ में हूँ। तू इंडिया के साथ है? चलो मैं पाकिस्तान के साथ हूँ। नहीं बे। हाँ बे। वाह बे, क्या बात है बे, चले चले तशरीफ रखे, चल बे। तो शुरू करते हैं ग्रैंड फिनाले के पहले का आखिरी एपिसोड, इंडो पाक कॉमेडी का महासंग्राम। राजू भाई अभी तैयारी पूरी है ना, पिछली बार देखा था कैसे पाकिस्तान ने मैदान मार लिया था। अरे पीछे की बात पीछे, आगे की सोच। इस बार इंडिया का जो योद्धा आ रहा है ये 1.5 लीटर देशी घी पी के आ रहा है। हमारे साथ है श्रीकांत और हमारे साथ हैं शकील और इमरान। राजू भाई, हाँ एक बात बताएं। बोलो बोलो बोलो। शकील कैन, इमरान कैन, श्रीकांत। अरे श्रीकांत है वो, उसके नाम में पहले से श्री लगा हुआ है। तो सबसे पहले आवाज दे रहा हूँ इंडिया से श्रीकांत। अपने दुश्मन का ये कर दे बुरा हाल, के ये कॉमेडी की गोली मारे। श्रीकांत माल है ये कॉमेडी की गोली मारे। श्रीकांत माल है ये कॉमेडी की गोली मारे। आप लोग सोच रहे होंगे कर क्या रहा है। एक बहुत बड़ा शार्प शूटर था, सुपारी किलर, बड़े बड़े लोगों की सुपारी लिया करता था, लाखों करोड़ों में खेलता था। उसका एक जबरदस्त स्टाइल था, देखो। एक दिन अपनी गलती से मारा गया, एक बहुत बड़ी आदमी की सुपारी मिली थी, टेरेस पे खड़ा हुआ था। एक बार एक बंदा बियर बार में बैठा हुआ था, जोर जोर से रो रहा था। एक आदमी बेचारा देखते है, यार ये बेचारा रो क्यों रहा है, जाके पूछते है, भाई साहब आप रो क्यों रहे? यार मैं बहुत परेशान हूँ यार, बहुत परेशान हूँ, क्या मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था, वो ना मेरे को छोड़ के ना हमेशा के लिए चले गई, इसलिए ना मैं उसका नाम है ना हमेशा के लिए भूल जाना चाहता हूँ। तो बोलते तो अच्छी बात है ना, भूल जा। भूल तो जाऊँ यार, लेकिन उसका नाम याद नहीं आ रहा। बोले हमारे शहर में मलयाली नर्सों का बहुत बोलबाला है। तो वैसे आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, डॉक्टर मिले ना मिले, मलयाली नर्स जरूर मिलेंगी। तो एक दिन मैं एक हॉस्पिटल में गया होता, बैठा हुआ था, बाजू से एक नर्स जा रही थी, मैं कहा चलो नाम पूछ लेता हूँ। मेरा सिस्टर, एक्सक्यूज मी, सिस्टर किसको बोला? मैं तुम्हारा सिस्टर है, तुमको भी सिस्टर लग रहे। मेरा झगड़े की बात नहीं, मैं तो सिर्फ आपका नाम पूछ रहा। नाम है, नाम पी पी सी सी। मैं बोला कमाल है, पी पी सी सी। मैं बोला ये कैसे नाम है? अयो के मेरा नाम है पार्वती पैम्बर चिरकुट चैम्बर स्वामी। मेरा कमाल का नाम है, इसका मतलब क्या? ओके पार्वती मेरा नाम, पैम्बर मेरा गांव का नाम, चिरकुट मेरा ससुराल का नाम, और चैम्बर स्वामी मेरा स्वामी है ना, वो चैम्बर में रहते। अरे चलो मेरे को बहुत काम है, मेरे को जाने है। वहाँ से निकल गए। अभी जहाँ भी आती है वहाँ हंगामा गोलमाल चलता ही रहता है, जहाँ भी जाती है लगे हुए लोग। अब ये जा रही है, गुजर के एक बूढ़ा पेशेंट इन्हें देख के घूरे जा रहा है। इनकी नजर पड़ जाती है। अयो 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 बुढ़ा, 4 दिन का जिंदगी में तुम्हारा पौना 4 दिन खत्म हो गए, फिर भी तुमको शर्म नहीं आते?
जहाँ तो देखेंगे तुम्हारे ऑक्सीजन का पाइप खींचिए, बीएमसी का पाइप तुम्हारे मुंह में घुसे नल चालू करेंगे, पूरा बाड़ी बाड़ी बाड़े होंगे। जैसा 26 जुलाई को बम्बई का हालत हुआ, तुम्हारा बाड़ी वाटर बाड़ी होंगे, समझे? आए बुड्ढा, तुमको थोड़ा शर्म नहीं आती? बुड्ढा तुम मरता क्यों नहीं, तुम मरता क्यों नहीं बुड्ढा? मैं मरता हूँ। अयो किधर? तुम पर। अयोड़ा ना लाइक कहीं कहा कहीं का नहीं चौड़ा। रात हो गई, अब ये चेकिंग करते हुए आईसीयू में पहुंच गए। वहाँ एक पेशेंट लेटा हुआ है और उनकी बीवी बेचारी को नींद आया फिर भी बैठी हुई, ये उधर जाके पहुंच गई। अयो तुम्हारे पति का ऑपरेशन हो गए, वो कतर का बाहर है, वो अपने सोने का काम कर रहे, दवा अपना काम कर रहे, आप अपना काम करो, सो जाओ, चिंता करने को कोई बात नहीं, मैं जाग रही हूँ, उसी बात की तो चिंता है ना बहन। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम हमारे कैरेक्टर पे शक करते हैं, तुम बोलते हम कैरेक्टर लेस है। बहन ऐसी बात नहीं, वो क्या मेरे का तो प्रॉब्लम नहीं है, वो क्या कहीं मैं रात को गलती से सो गई ने और गलती से कहीं ये जाग गई ने, तो ये तो कतरे के बाहर आ जाएंगे पर तुम कतरे में पड़ जाओगे। दोस्तों एक फायर ब्रिगेड के चीफ के घर पे एक बार आग लग जाती है, अब वो फायर स्टेशन पे फोन लगाता है बोलते हेलो मैं चीफ बोल रहा हूँ मेरे घर पे आग लग गया आ जाओ। हाँ साहब पहुँचते। पहुँच गए नो टंग डंग 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 घंटा बजाते हुए पहुँच गए फायर ब्रिगेड। अब 15 माले की बिल्डिंग इतनी लंबी, नो आग बुझाने में लगे वो आग बुझ नहीं रही है। अभी नो अनाउंसमेंट करते साहब आग बहुत फैल गया साहब, कुछ नहीं हो सकता, हम लोग जाली पकड़ के खड़े, आप कूद जाओ, फैमिली को भी फेंको साथ में साहब, कुछ नहीं हो सकता साहब, कूदना पड़ेगा साहब। चल ठीक है अब कूदने का डिसाइड करते हैं, अभी लोग जाली पकड़ के खड़े नीचे। हाँ साहब कूदो। सबसे पहले अपने बेटे को फेंक रहे हो 15 माले से। पकड़ा साहब पकड़ा, बेटी को फेंको। अब बेटी को फेंका। पकड़ा साहब पकड़ा, बीवी को फेंको। बीवी है मोटी, फेंक दिया ऊपर से, गिर रहे। पकड़ा साहब पकड़ा, आप कूदो। अब सांप कूद गए 15 माले से, कूद गए एकदम जोरदार 15 से 14, 13 माला, 12 माला, 11 माला, 10 माला, 9 माला, 8 माला, गिर रहे लोग पकड़े। आ जाओ 8 माला, 7 माला, 5 माला, 4 माला, जैसे 3 माले पे सब चिल्लाए सलाम साहब। नीचे गिर गया वो। एक बार एक छोटा सा बच्चा बस में बैठा हुआ है, कंडक्टर आके बोलते बोले कहाँ जाना बेटा, बोले वीरा देसाई रोड। हाँ 3 रुपये निकालो बेटा, चलो टिकट बोलो। टिकट उधर उधर चेकिंग कर रहे हैं, चेकिंग चालू है, ये बच्चा जेब से 500 रुपये का नोट निकाल के दे। बोले बोले बेटा अरे बोले 500 रुपये नहीं बेटा 3 रुपये चाहिए। बोले नहीं अंकल देखो देखो मिलेगा यहाँ, वहाँ चेकिंग कर रहे बेचारा बच्चा जेब में टटोल के, फिर 500 का नोट। बोले नहीं अंकल नहीं है। बोले देखो बेटा इधर सुबह सुबह 500 का कहाँ से दूंगा 3 रुपये के लिए, देखो छुट्टा होगा। देखो नहीं अंकल नहीं है छुट्टा। बोलते नहीं है छुट्टा तो बेटा उतर जाओ प्लीज़ बस से उतर जाओ। ऐसा कैसा बात कर रहे हैं, छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चे से ऐसा कैसा बात करते हैं अंकल, आप बड़े हो ना, आप दो ना छुट्टा। बोलते बेटा मेरे पास छुट्टा नहीं है तो आप उतर जाओ। भाई हमने मजाक में बोला श्री कांट बट सिंसियरली यू कैन बिकॉज यू आर द मैन, वेरी गुड। थैंक यू सो मच। श्रीकांत ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और वक्त है इनको पॉइंट्स देने का। yes. तो शुरू करते हैं काशिफ से। हाँ जी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस और रवि भाई और हम आपको पॉइंट्स देने लगे। बड़ा यूनानिमस डिसीजन था लेकिन लेकिन हम क्या करना है बोलिए। हाँ जी ये दैट्स फॉर यू मैन, 10 में से 8 भैया तालियां हो जाए। अब मेरी बारी है ठीक है। आपने मुझे बहुत हंसाया है। मैं आपको देती हूँ 10 में से 7। थैंक यू सो मच। और श्रीकांत आपको मिलते हैं हमारी तरफ से भी 8। क्या बात है, 8, 7, 8, माय गॉड लवली।
साल के पहले का आखिरी एपिसोड। राजू भाई, ये दोनों हबशियों को देख के मुझे एक फिल्म याद आ रही। कौन सी? उस फिल्म का नाम था रजिया सुल्तान। अरे जिसमें धर्म जी थे, धर्म जी ने हबशी का रोल किया था। हबशी, हाँ, यो चौड़ी छाती। लेकिन वो ये क्यों याद आ गया? उसमें तो धर्म जी की चौड़ी छाती थी एकदम, इनकी तो छाती है ही नहीं। छाती है, खाली नीचे स्लिप हो गई। नहीं होता है कभी कभी, जब जब ज्यादा तेल मल लेते हैं ना तो ऐसे। अच्छा, तेल नहीं है, मैल है। ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, इनने तो मेकअप से अपना मुंह काला किया, नावे तो वैसे ही करा दे। इंडिया के श्रीकांत ने तो अपना परफॉर्मेंस दे दिया, अब बारी है पाकिस्तान की। देखते हैं शकील और इमरान में कितनी ताकत है, कितनी कुव्वत है, कितना दम है, और कौन होता है ट्रॉफी का असली हकदार, ये पता चलेगा ग्रैंड फिनाले एपिसोड में। फिलहाल मैं जोरदार तालियों के बीच आवाज दे रहा हूं शकील और इमरान को। सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं इनकी जोड़ी। हाँ, सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं इनकी जोड़ी। अरे हंसा हंसा के मारेगी ये शकील इमरान की जोड़ी। ओ हो हो, हे हे हे, ओ हो हो, बस कर, तुझे मैं बियर बार में लगवा दूंगा। वहाँ पैसे भी आएंगे, वहाँ नाचना, उसमें आधे आधे होंगे हम दोनों के। ऐसी बात नहीं करो, देख नहीं रहे सामने कौन कौन आए हुए हैं? अरे सलाम अलैकुम नावेद भाई, रवि भाई। मैंने तो आपकी उस वक्त फिल्म देखी थी, याद आ रहा है मुझे। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं नेकर पहनता था। चलिए, थैंक यू वेरी मच। इन्हें पता है कि मुझे आप... याद आ रहा है, मैं बता रहा हूँ, उन दिनों मैं कुछ नहीं पहनता था। एक सीन बहुत अच्छा लगा था मुझे, वो मैं रिवाइंड कर करके देखा, घिस दी मैंने। सीन क्या था? बताने वाला नहीं है। देखने वाला। अरे भाई मुबारक हो, इनका तुमने सुना क्या? इन्होंने मुकाबला हुसन में हिस्सा लिया था। नहीं यार, कसम से सबको इनामात मिले, इन पे जुर्माना हुआ था। खेच के सांस नहीं लेना, धोती नीचे आ जाएगी। दोनों खून देने चले गए थे। अच्छा, उन्होंने भगा दिया, बोला हम डीजल नहीं लेते, निकलो। तुम्हें पता नहीं इन पर भी लड़कियां मरती हैं? हाँ भाई मरती हैं। कल एक लड़की ने इनको देख के कहा, क्या हाय मैं मर गई, ये भी इंसान के बच्चे हैं। माशाल्लाह, लोग क्रीम लगाते हैं गोरा होने के लिए। हाँ, ये मुंह पे पॉलिश करते हैं। नावेद भाई आप कैसे हैं? रवि भाई बच्चे, बाल बच्चे ठीक हैं? एकदम बाल भी अच्छे बच्चे हैं सर। आपसे तो सिर्फ बच्चों का पूछूंगा। वैसे नावेद भाई आपको भी थोड़ा लिहाज करना चाहिए था कि यहाँ खवातीन औरतें भी बैठी हुई हैं, आप नंगा मुंह लेके आ गए। मुझे रवि भाई की और नावेद भाई की एक चीज बहुत अच्छी लगती है। क्या? जब ये प्रोग्राम के ब्रेक में करते ना, ये भी गलत करते हैं। ये कहाँ से गलत हो गया? अबे इनको करना चाहिए बू। बहरहाल आपको मैं दोनों को दाद दूंगा, और साथ जावेद भाई यहाँ नहीं है, वो ये प्रोग्राम देखेंगे, उनको भी मैं मुबारकबाद दूंगा इस बात पे कि औरतों ने हमेशा मर्दों को उंगलियों पे नचाया है, लेकिन आप पहले मर्द हैं जो दूसरे की औरतों को खूब नचा रहे हैं। ऐसी बात नहीं करो, आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो मुझे। मैं बड़ा खुश हूँ। अमीर आदमी, अमीर आदमी, अमीर आदमी को क्या प्रॉब्लम? तुम गरीब हो, तुम्हारी लाइफ क्या है? क्या लाइफ है तुम्हारी? एक एक मियाँ एक बीवी, 12 बच्चे, तय लगा के सुला रहे एक ही कमरे में। ऊपर वाला कुछ करता है, सुबह नीचे वाला पसड़ जाता है, अम्मी स्कूल नहीं जाऊँगा, रात बारिश हुई थी। क्या लाइफ है तुम्हारी? हम अमीर लोग, अमीर अमीर हो गए, क्या लाइफ? अबे तुम गरीबों क्या लाइफ है? जिंदगी में दो दफा मुर्गी खाते तुम लोग। कब? एक जब तुम बीमार होते, डॉक्टर कहता मुर्गी खाना, ठीक, और एक जब मुर्गी बीमार होती जब खाते हो। वाओ, बदतमीजी नहीं करो यार तुम। अबे यार तू तो बड़ा जाहिल, तेरा बाप तो उससे बड़ा जाहिल था तेरे बाप। मेरे बाप ने क्या किया? जहालत से मरा है वो, ये बता दूं आज तुम्हें, बता रहा हूँ ये बात।
अच्छा जहालत से मरे? सिगरेट पी के गटर में फेंक दिया, बुझाने गया गया। तुम दोस्त के यहाँ गए थे जहाँ उसके रिश्ते वाले आए थे वो शादी के लिए? शादी के लिए उसके साथ सीन हो गया। क्या उसने भी मूली वाले पराठे खा लिए थे? वही तुम्हारा हिसाब। तो मेरा बताना जरूरी है। अब भाई उसके साथ क्या हुआ, मूली वाले पराठा खा लिए, लड़के वाले शाम को देखने आ गए। अब बेचारा कंट्रोल कर रहा है प्रॉब्लम। ओहो फायरिंग हो रही है लेकिन कर रहा है वो। लो भाई लड़की वाले आ गए, उसमें एक बड़े मियाँ भी थे। हाँ। लड़के को पूरा घुमा के देखा भाई लड़का कैसा। हाँ आओ भाई लड़का ठीक है ओके भाई पास मिठाई बांट दो भाई। मिठाई खिला दिया, खाने का वक्त आ गया। हाँ। टेबल पे आए बड़े मियाँ बैठे ना, साथ लड़का बैठने लगा। हाँ। मिस कॉल। बड़े मियाँ लड़का को देखा, लड़का कुर्सी इधर उधर करने लगा मैनेज करने के लिए। बड़े मियाँ क्या करें, अबे कुछ भी कर ले वो पहले वाली बात पैदा नहीं होगी। अबे उनकी शादियां करा रहे हो, मेरी कराओ शादी यार, मैं क्या दुनिया में आम लेने आया हूँ? तुम शादी करना चाहते हो? हाँ। लेकिन शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है? मुझे पता है बड़ों का खेल है और बच्चों के लिए खेला जाता है। तो मैं तो सिखा सकता हूँ आपको, शादी की रिहर्सल करा सकता हूँ। जाओ घर से लड़की ले आओ जल्दी आओ। अच्छा। भाई सिखा रहे हो ना तो कुछ घर से भी तो डालो। मैं आपकी रिहर्सल कराता हूँ। अच्छा कैसे? फर्ज करें आपकी शादी हो रही है। फर्ज करूँ? हाँ सच्ची मुझे नहीं फर्ज। तो अभी रिहर्सल है, फर्ज करें। चलो फर्ज कर लिया। और फर्ज करें कि इधर आपकी दुल्हन बैठी है। कहाँ है? किसी चींटी से कर रहा है क्या मेरी शादी? नहीं नहीं आप समझे नहीं, फर्ज करें यहाँ दुल्हन बैठी है। अच्छा दुल्हन भी फर्जी? हाँ मैं भी फर्जी। हाँ अब तुम दूल्हा बन के गेट पे खड़े हो, कमरे में आओगे, फर्ज करो। हर काम फर्ज करूँ? हाँ। तुम लोग कितने बहन भाई हो? सात। तो तू अपनी अम्मा से कहता फर्ज कर लेती है, ऐसी तकलीफ उठाए उसने। भाई जहन बना लेती, मेरे 18 बच्चे हैं बस, फर्ज करके घूमती रहती। अब यार ऐसी बात नहीं करो, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। अच्छा सिखा रहे हो? सिखा रहा हूं। हां सिखाओ सिखाओ। दुल्हन कहां है? दुल्हन यहां बैठी है, आप इधर आओगे गेट से। तो दुल्हन कौन बनेगा? दुल्हन में तलाक। तीन दबाओगे या फारिग हो तुम्हें? रिहर्सल करा रहा हूं। मैं रिहर्सल करा दो। दुल्हन कमरे में बैठी है। तो तुम तुम्हारे पास दुल्हन का जोड़ा? मैं दुल्हन बनता हूं, मैं आपको समझा रहा हूं पहले सिचुएशन। सिचुएशन ये है कि दुल्हन कमरे में बैठी है, ठीक है। आप कमरे में दाखिल होंगे दरवाजे पर। कैसे? ठीक है ना, मैं आपको बता दूं। आप आए दरवाजे से बाहर। क्या क्या करूं दरवाजे पे आके? दरवाजे पे आकर मुझे बोलेगा क्यों खांसो? क्यों? वो दुल्हन अंदर से कहते भाई दूल्हा तो बलगमी है। वो मैं क्या किसी डॉक्टर के पास जा रहा हूँ? नहीं नहीं, ये खांसने से पता चल जाता है सामने वाली पार्टी को कि दुश्मन ने हमला कर दिया। अच्छा मेरी शादी क्या मोर्चे पे हो रही है? देखो तुम दरवाजे से आओगे ना, चलो दरवाजा नॉक करोगे ठक 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 ठक, दुल्हन पूछेगी कौन? मैं कहूँगा दूध वाला। अबे ये कौन सी शादी है? मैं अपने घर में खुद दरवाजा, मैं अपनी बीवी पे शक कर रहा हूँ, उसका मतलब है मैं दरवाजा खटखटा रहा हूँ कि जो भी है निकल जा भाई मैं आ रहा हूँ। यार मैं बता रहा हूँ ना आपको, सिखा रहा हूँ, शादी सिखा रहा हूँ। दरवाजा खटखटाना जरूरी है? दरवाजा खटखटाना। खांसी रख लो खांसी। चलो आगे बहुत अच्छा खांसता, खांस के दिखाऊं? हाँ। छींटे कहीं और से निकलती है ना भाई, क्या करूँ। बिल्कुल नहीं, शादी सीखो यार। सिखाओ सिखाओ। तुम कमरे में दाखिल होगे, कमरे में दुल्हन बैठी है, पहले दुल्हन आएगी कमरे में, फिर तुम बाद में दरवाजा खटखटा के, ठीक है? अबे कमरे में ये दोनों भी होंगे? दुल्हन बन के आओ, दुल्हन बनने जा रहा है। इधर आ जाओ, अब ये दुल्हन बैठी है यहाँ पे। चलो आप तुम घूंघट निकालो, मैं पिस्तौल निकालता हूँ। पिस्तौल क्यों निकालोगे? अबे तो इस मुँह पे मैं सलामी निकालूंगा, इस मुँह पे तो लांते निकालूंगा मैं। तो मैं क्या करूँगा, खांसूंगा। तुमने आकर खांसना है। तुम क्या आपको बोलोगी? मैं कहूँगा कौन, फिर मैं फिर क्या बोलूँ? तुम बस प्यार मोहब्बत के डायलॉग शुरू कर देना, फिल्मी डायलॉग। अब वो मुझे आते हैं। सही है, ठीक है भाई। दुल्हन बन के बैठी। हाँ। कहाँ बैठ गई है? सही से बैठो, जैसे दुल्हने बैठती सिमट के दही बड़े का मटका नहीं रखा हुआ देखते हो? अब सही से बन रहा हूँ मैं, ठीक है? सही से। तुम आओगे? खांसूंगा पहले। हाँ बोलोगी कौन? दुल्हन कहेगी कौन? आवाज सही निकालना है ना। हाँ और तुम फिर फौरन रोमांटिक फिल्मी डायलॉग निकल जाओ। अगर आवाज सही निकली ना, मैं निकल जाऊंगा, अब्बा को भेज दूंगा फिर। कौन है? मैं
मैं और मेरी लुगाई अक्सर आपस में बातें करती हैं। तुम होती तो छोटा वाला गोद में होता, तुम होती तो बड़ा वाला पड़ोस में होता, तुम होती तो मझला वाला साथ वाले का शीशा तोड़ के भाग गया होता। अबे कैसे डायलॉग बोल रहे हो यार तुम? तो डायलॉग क्या है? प्यार मोहब्बत के डायलॉग बोलो, फिल्मी डायलॉग। ये डायलॉग नहीं है क्या? ये तो गाना है मैं और मेरी तन्हाई। चलो फिल्मी डायलॉग बोल ले। हाँ फिल्म सही है, ठीक है तुरंत बैठिए। मेरी शादी हो ना मुझे टीवी जरूर हो जाएगी। कौन है? डॉन। डॉन को पकड़ना बिल्कुल ही आसान है। किसी भी बच्चे को 5 रुपए तो पकड़ के ले आएगा। मैंने फिल्मी डायलॉग तो बोला है डॉन। तो ये क्या दुल्हन किसी डीएसपी की बेटी है? अब हाँ यार, अच्छा तुम्हें याद आ गया। और डायलॉग बोला ठीक है ना? हाँ डायलॉग। कौन? तुमने अब तक घर की दीवारें देखी हैं, कालिए की हिम्मत का फौलाद नहीं देखा। फिर ऐसा करो कालिया को भेज दो। अच्छा तुम लोग खुश हो रहोगे नहीं? चलो आ जाओ, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। इतनी देर नहीं लगा। मैं आ रहा, मैं आ रहा, मैं आ रहा। कौन है? देखें मैं वो हूँ जिनसे आधे घंटे पहले आपकी शादी हुई थी, तो उसी सिलसिले में आया हूँ। अबे ये सिलसिला कौन सा सिलसिला लगा दिए? सिलसिला ही तो होता और क्या है। ये सिलसिले विलसिले नहीं लगाने हैं। अबे मैंने शादी मैं सीखनी नहीं, मुझे आती है शादी। अरे मैं बताता हूँ यार, मुझे शादी आती है। आती है? हाँ मैं बताऊँ। मुझे करके बताओ। मैं बता दूँ शादी में। शादी में देखो पहले होता है शुरू में छिछोर बना, जिसको कहते हैं लव। हाँ लव। लड़का लड़के को बोल वचन कराता है, जानू जानू मुझसे शादी कर लो तो मैं पलकों में बैठाऊंगा। किसी का बाप पलकों पे नहीं बैठा सकता। जानू फिर वो लड़का कहता, जानू देखो मैं तुम्हारी खुशी की खातिर अपने आप को बेच के तुम्हारे लिए खुशियाँ लाऊंगा। और शादी के बाद जब मुसीबत है सबसे पहले बीवी का जेवर बेचता है। समझे? शादी के मैं बता रहा हूँ, पहले होती है छिछोर बना लब। हाँ, लड़की पटाई में आ जाती है। आ गई। फिर कहती है अपने डैडी को भेजो ना। वो कहता हाँ भेजता हूँ। उसका बाप जाता है, बातचीत पक्की हो जाती है, फिर सगाई होती है, मंगनी होती है, सही अंगूठी पहन आते हैं एक दूसरे को, पहना दी, फिर साल रुकते हैं। हाँ। उसमें कई खानदान वाले उठते हैं कि शादी नहीं होगी भाई, उसमें गंदगी तो होती है। अच्छा फिर शादी होती है, फिर मेहंदी जाती है, मेहंदी आती है, उसमें 3-4 शादियाँ और सेट हो जाती हैं। फिर उसके बाद दूल्हा दुल्हन को लेके आता है। हाँ। दुल्हन कमरे बैठी होती है, बैठी, दूल्हा अंदर जाता है। हाँ फिर उसके बाद उन्होंने मुझे अंदर जाने ही नहीं दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आई लव यू ऑल, थैंक यू। बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त। आप दोनों ने हम सब के साथ साथ यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों को बहुत हंसाया, और जो लोग टीवी पे देख रहे हैं वो भी जाहिर बहुत हंस रहे होंगे। बहुत मुबारक। और अब वक्त आ गया है पॉइंट्स देने का। देखिए सर, पॉइंट्स देने से पहले ये कहेंगे, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, आपकी लैंग्वेज पे कंट्रोल, आपकी टाइमिंग पे कंट्रोल, और नॉर्मली कहते हैं कि यू नो ऑडियंस से आई कॉन्टैक्ट करके यू शुड परफॉर्म, दैट मेक्स देम लाफ। यू ऑल डिडंट इवन नीड टू डू दैट, यू ऑल वर ब्रिलियंट। थैंक यू। क्या है ये? जीरो दिया क्या? सर अंडा नहीं है ये, अंडा दिख रहा है यहाँ पे। अंडा दिख रहा है? नहीं, अंडे के साथ डंडा भी है। थैंक यू सर। इसके पहले क्या और हंसा है? मैं कहूंगा कि सालों बाद दिल से हंसे हैं। सालों बाद बस मेरा इंडिया आना सफल हो गया। आप दोनों को मिलते हैं 10 पॉइंट्स। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरीबॉडी, थैंक यू, थैंक यू। फ्रेंड्स, इंडिया के श्रीकांत को मिले हैं 23 पॉइंट्स, और पाकिस्तान के शकील और इमरान को मिले हैं 30 पॉइंट। वक्त हाथ से निकला नहीं है, बहुत कुछ अभी बाकी है। श्रीकांत के लिए अभी चांस बाकी है, वो कवर कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है, है कि नहीं?
है तो सही लेकिन हमारे शेर जो है ना वो सब पे भारी हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अभी पता चल जाएगा। श्रीकांत इस वक्त सांडे का तेल लगा के मालिश करवा रहा है और पूरी तैयारी से आ रहा है। लेकिन ये ट्रॉफी जो है ना ये हम लेके जाएंगे। ऐसे ख्वाब आते होंगे। ट्रॉफी तो श्रीकांत ले जाएगा। अरे हम लेके जाएंगे। श्रीकांत लेके जाएगा। तो बुलाइए श्रीकांत को, देखते हैं श्रीकांत जाते कि नहीं। श्रीकांत 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 आ जाओ। सुनो गौर से दुनिया वालो, चाहे जितने जोक सुना लो, जोक सुनो तुम हंस लो गालो, सबसे आगे हो गए श्रीकांत मस्की। ओ श्रीकांत मस्की, श्रीकांत मस्की, हाँ श्रीकांत मस्की। दोस्तों एक बार एक अमेरिकन, एक अरबी और एक हिंदुस्तानी मिल जाते कहीं, तो अपने अपने देश की बोल बच्चन देना चालू कर देते, बड़ाई मारना चालू करते। तो लोग स्पीड पे बात करते होते, तेजी पे। तो अमेरिकन है वो चालू होता है, ए हमारा अमेरिका में लोग इतना स्पीड, इतना तेज है, इतना फास्ट है कि ऐसे तीर वो बो एन एरो बोलते हैं, ऐसे तीर चलाते हैं और तीर पहुंचने से पहले आदमी भाग के पहुंच जाता है। अरबी, वाला तुम्हारी इधर ऐसे होती, हमारे इधर तो आदमी ऐसा बंदूक से गोली चलाती, गोली से पहले भाग के आदमी पहुंच जाती। हिंदुस्तानी बोले कुछ भी बोले, क्या रे अमरीकन तेरे उधर क्या तीर चलाते, तीर से पहले आदमी भाग के पहुंचते क्यों? और शेख साहब आपकी इधर क्या गोली चलाते, गोली से पहले आदमी बहुत चल, ऐसा होता है क्या? कुछ हिंदुस्तान का सुनेंगे आप? कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान में 5 बजे ऑफिस बंद होती है, 4:30 को आदमी घर पहुंच जाता है। अब इस दुनिया में अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, कोई सच बोलता है, कोई झूठ बोलता है, कोई ज़्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है, कोई बोलता ही नहीं। तो वैसे हमारे एरिया में क्या है, विट्टल भाई बहुत बोल बच्चन, पकाओ जाओ रास्ते पे निकले सब लोग गायब, रास्ते पे एक आदमी दिखाई नहीं दे, इससे पकाओ। मैं एक दिन दोस्तों के साथ बैठा था नाके पे, दिखाई दिए दूर से, मैं बोले चलो चलो निकलो निकलो निकलो, बोला कहीं देख लेगा तो पकड़ लिया, चलो चलो दोस्त लोगों ने निकलो निकलो, उसने पीछे आके पकड़ लिया, बोला अरे विट्टल भाई आप यहाँ, विट्टल भाई श्रीकांत भाई कैसे हो, मैं ठीक हूँ, और सब घर में सब कैसे तुम्हारा, मेरा घर में, घर में सब ठीक है, और घर के बाहर मजा किया मजाक, सॉलिड है ना सॉलिड, मजा किया मजाक, मेरा अच्छा चलता हूँ विट्टल भाई। अरे सुनो ना एक जोक सुना ना, अरे रुको ना तुम्हारे पास लगे, जोक सुनो एक बार है ना, मैं तुमको एक रिडल पूछना है। एक लड़का होता है, अब वो बड़ा होता है ना, बहुत पैसा कमाता है बाबा, बहुत पैसा कमाता है, तो अभी बोलता है कि उसको अपना पर नानी है ना उससे बहुत प्यार होता है, मतलब माँ की माँ की माँ बोलते हैं ना, पर नानी से बहुत प्यार रहता है। तो बड़ा होकर पैसा कमाता है, बोलते हैं क्या करेगा, पर नानी के नाम से कुछ तो करेगा, तो एक बहुत बड़ा बैंक खोलता है, बहुत बड़ा बैंक खोलता है। अब बोलो बैंक का नाम क्या रखते है, बोलो पर नानी बैंक, कुछ भी नहीं पर नहीं, सोचो सोचो मेरा आप ही कही मान नहीं, जबरदस्त एकदम। ये तुमने डिस्कवरी चैनल देखा होगा ना बाबा, हाँ उसमें तुम गोताखोर देखा, ये सी ड्राइवर बोलते ना बाबा, वैसा बोट के एज पे बैठते, ऐसा किनारे पे बैठते, वो ऑक्सीजन का मास्क लगाते, सिलेंडर पूरा कपड़ा पहनते, ऐसा हमेशा उल्टा कूदते, ऐसा पानी में देखा रहेगा ना, हमेशा उल्टा कूदते, सीधा क्यों नहीं कूदते रे, बोल रहे बाबा। मैं कहा वो उस सिलेंडर का वजन होता है, अरे कुछ भी सोच 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 रहा। मैं कहा मुझे नहीं पता आप ही बताइए, अरे बाबा सीधा कूदा तो बोट पे गिरेगा ना। और पकड़ सुना सुना मतलब जाने, अरे 2 मिनट एक 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 जॉक सुन रहा, सॉलिड लगा ना सॉलिड, बोला हाँ बहुत सॉलिड मस्त मजा आ गया, तो सुनना और सुनना, नहीं नहीं उतना भी सॉलिड नहीं लगा, अरे सुनना अरे बाबा सुनना। एक बार है ना 22 लोग का मीटिंग रहता है, सब ऐसा 22 लोग बैठे ले रहता है, अरे हम सब बैठे ना वैसा, सब 22 लोग ऐसा बैठे, मीटिंग शुरू ही नहीं हो रहा बाबा, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, मीटिंग शुरू नहीं हुआ। अब बोले वो जो 22 लोग का लीडर रहता है ना, वो बोलते मैं कुछ बोलेगा, वो काड़ा रहता है कुछ तो बोलते हैं, सब 22 लोग पकड़ के रापा रप जो मारते ना बा, क्यों मारते बोलो, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता आप ही बताओ, वो बोलते हैं हाय गाइस,
सॉलिड है। चलता हूँ। अरे बस लास्ट डे तो एक दो सुन के जाना बाबा, ये रुकना ये तुम लोग। एक बार है ना, एक सांप होता है, वो दूसरा सांप को ना पप्पी देता है। तो दूसरा सांप क्या बोलता है बोलो? नहीं बोला, मैंने मुझे नहीं होना, आप ही बताइए। जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा। सॉलिड है अभी, मैं बहुत देर। लास्ट का ऐसो पद लास्ट एकदम, ये रुकना रहा तुम लोग भी बैठ रहा। लास्ट पूछते हैं। ये कौवा उड़ता रहता है बहुत, 12 बजे का एकदम गाना एकदम धूप रहता है बाबा, उसमें कौवा उड़ता रहता है, उसको जो नीचे परचाई आता है ना शैडो बोलते हैं, उसमें एक ही पंख दिखाई देता है। बोल काय को? मेरे को नहीं, आप ही बताइए। अरे धूप रहता है ना तो ऐसा उड़ता है। महाराष्ट्र के छोटे से गांव में स्कूल चालू था, उसमें एक राजू करके एक स्टूडेंट सबसे मस्ती और पीछे लड़की छेड़ने में लगा, आइटम है रॉकेट वॉकेट उड़ा रहा है, मस्ती में लगा हुआ है। अभी मास्टर जी ने देख लिया, ये राजू उबाहो चल काय उबाहो, वो मस्ती है खड़ा हो गया। है सर, बोले काय रे का खूब मस्ती करते हो, अब ये जो बोर्ड पे लिखा है ना बाबा वो पढ़ के सुनाने का, ये जो बोर्ड पे नंबर लिखा है ना अंग्रेजी में बराबर पढ़ के सुनाने का, बोर्ड पे लिखा रहता है 70, 82, 89, 99, ये लिखा हुआ है। अब ये राजू को बोलते चल ये पढ़ के सुना है, अब वो लड़कियों को भी छेड़ रहा है और साथ में पढ़ भी रहे, देखिए कैसे 70, 82, 89, 99। अब राजू खड़े हो गए, सेवंती ये थे तू, ये थे नहीं। श्रीकांत आपने बहुत धमाल कराया, बहुत हंसाया, आपकी कोशिश बहुत ज़बरदस्त रही, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और हम सब बहुत हंसे। मैं नावेद मिलके आपको पॉइंट्स दे रहे हैं, आपको मिलते हैं 10 में से 8। रवि, श्रीकांत भाई आपकी जो पहली परफॉर्मेंस थी उससे जेन्युइनली कहूँगा काफ़ी बेहतर थे आप, ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, और आपने जो ये विट्ठल भाई का किया हाँ उसके लिए तालियां हो जाए, दैट वाज रियली नाइस। आपके एक्सप्रेशंस जो थे बहुत अच्छे थे, और वो जो नटघट जो नटखट स्टूडेंट जो था एंड में आप बाजी मारे, बहुत अच्छा किया, इसीलिए हमने आपको दिए हैं भैया, हमने दिए हैं 9 पॉइंट। राखी हाँ तो ये लो। राखी जी मेहरबान, श्रीकांत पहलवान। सो फ्रेंड्स, इंडिया के श्रीकांत को मिले थे पहले राउंड में 23 पॉइंट्स और दूसरे राउंड में मिले हैं 27 पॉइंट्स, यानी इनका टोटल हो गया है 50। और बहुत अच्छे तरीके से ये ग्रैंड फिनाले की तरफ बढ़ रहे हैं, और आपको तो पता ही है दोनों टीमों में से जो जीतेगा वही पहुंचेगा अगले एपिसोड में, यानी कि फाइनल ग्रैंड फिनाले एपिसोड में। इमरान और शकील के हैं 30 पॉइंट, और अब हमें ग्रैंड फिनाले की तरफ जाने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगले हफ्ते आपका फेवरेट प्रोग्राम शुरू हो रहा है, कौन सा? इंडियन आइडल। और इस बार खोज होगी और बड़ी, इस बार खोज सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, माहौल नया, जजेस का पैनल नया, मिशन एक नायाब आवाज, भारत की शान ढूंढना, यानी तीसरा इंडियन आइडल शुरू हो रहा है 4 मई रात 9 बजे से, देखते रहना, आंखें बंद नहीं करना वरना हम दोनों आ जाएंगे। तैयार रहिए एक अनोखे अनुभव के लिए। भारतीय टेलीविजन में अब तक की सबसे बड़ी तलाश, एक ऐसी आवाज जिस पर होगा पूरे देश को नाम, जो बनेगा भारत की शान, इंडियन आइडल। ऑडिशन हुए 12 शहरों में, लाखों की तादाद में कंटेस्टेंट। प्रीत की लत मोह ऐसी लागी, पीढ़ी
चलई ने वो बात क्या है बता। कुछ थे सुरीले तो कुछ के अंदाज थे बहुत ही निराले। आपकी कसम परोस है। गाओ ना बेटा गाओ। तुझे देखा ता 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 ता। नाच रहा सांसों में मेरी अभी प्यार तेरा। I feel nothing. ये कमाल था। सुना क्या सुनाओगे? ये है टेलीविजन एंटरटेनमेंट की शान, भारत की शान, इंडियन आइडल। और अब बढ़ते हैं इंडो पाक कॉमेडी के महासंग्राम की ओर। तो मैं आवाज दे रहा हूं पाकिस्तान के जनाब शकील और इमरान को। हे हसना ए हसीनो, लो ये आ गए कॉमेडी के राजा, बजाएंगे बाजा, इनकी अदा है यारों से जुदा है। मतलब क्या मसला क्या है? बहुत कंट्रोल करता हूँ फिर भी ठुमके निकल जाते हैं। और भाई क्या हाल है? हाल को छोड़ो, ये बताओ तुम आज परेशान लग रहे हो मुझे। क्या हो गया? क्या हो गया? अबे तू रोने तो दे। भाई तुझे को तो रोना भी नहीं आता। अबे चल रहा, मुझे तो लोग मैयतों पे ले आते हैं। टोकन वाला चला गया अपने दोस्त को मिलने। हाँ। राकेश को हुआ क्या? हुआ, उसकी दुकान पे गया ना, वो कड़े हुए गले बेच रहा था। वो नहीं औरतों के कड़े हुए गले होते हैं बाजू। अच्छा अच्छा, कपड़े जहाँ बिकते हैं औरतों के। मैं गया, मैं क्या हाल है? कह रहा अरे आ भाई आ, मेरे को दुकान में बैठा है। कह रहा तू बैठ, मैं चाय लेके आता हूँ। अच्छा बैठ गया फिर। अच्छा एक औरत आ गई, कहने लगी वो गले मिलेंगे। मैं कहा बिस्मिल्ला। ऊपर से उसका पति आ गया, फिर वो मिला है, फिर किसी से मिलने के काबिल नहीं रहा। क्यों? बहुत मारा। अबे मारा मारा, पुलिस के हवाले कर दिया। अरे यार ऐसे ऐसे पुलिस वाले मेरे पे छोड़े उन्होंने। सबसे पहले नाबीना पुलिस वाला छोड़ा मेरे को। नाबीना टटोल टटोल के मारा उसने मेरे को। बाकायदा मैंने उसको डायरेक्शन दी, भाई यहाँ बहुत लग गई, इस साइड पे आ जाओ। उसके बाद काना पुलिस वाला छोड़ दिया। काना यहाँ खड़ा, मैं यहाँ खड़ा, यहाँ से मारा। कह रहा भाई थक गया हूँ, इधर आ जाओ, इस हाथ से मारूंगा अब। हकला पुलिस वाला गिनती कर करके मार रहा। कैसे? छह मार रहा, एक गिन रहा है। मैं कह ये बेईमानी है भाई, ये बेईमानी है। 30 हो गए। कह रहे नहीं गिनती दोबारा होगी। एक पुलिस वाला छोड़ा मेरे पे। हाँ वो पहले साइकिल के पंचर लगाता था। तो उससे क्या हुआ? उसने अपने हिसाब से मारा। किस हिसाब से? उल्टा लेटा है। हाँ रंदा फेरा, रेग माल मारा, सुलेशन लगाई, चेपी लगाई, फिर मार के कहना अब लीक करे फिर बताना भाई। एक ने आके मेरे को टप में डाल दिया। अच्छा। फिर मैंने ये बुलबुला छोड़ दिया। वो क्या कह रहा है साहब पंचर सही नहीं लगा है। अबे मैंने कहा सांस भी नहीं लूं। सही आदमी नहीं यार तुम, सही लगा। अरे यार वहाँ पे एक लड़की मिल गई मेरे को। नहीं यार वो मेरे को देख के हंसी जा रही है। मैं क्या, मैंने कहा आपकी शादी हो गई? कह रही नहीं। मैं कहा फिर कर लो, मेरे भरोसे भी नहीं रहना। तो ये बताने की क्या जरूरत थी यार? औरतों के साथ बदतमीजी नहीं क्या करो तुम? बदतमीजी क्या बात है भाई, औरतें मतलब क्या, क्या बदतमीजी? औरतों की इज्जत क्या करो? क्यों औरतों ने क्या इजाद कर दिया? क्या इजाद कर दिया भाई? अबे औरत पता है काबिल एहतराम है, इज्जत करो इसकी। क्यों? आज की औरत मर्द के बराबर है, कंधे से कंधा मिला के चल सकती है। चल सकती है। यस यस देखो मार्केट में कंधा लग जाए शुरू भी तो जाते, तेरे घर में माँ बहने नहीं है कमीने। तुम क्या समझते हो आज की औरत कमजोर नहीं है? अबे जो मर्द करता औरतें नहीं कर सकती। देखो जो काम मर्द करता है ना, प्रोफेशनल की बात कर रहा हूँ मैं, वो काम औरतें भी कर सकती हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं। मर्द डाकू है। अबे तो औरत भी खूबसूरत सी लड़की हो, जींस टी शर्ट पहन के जाएगी डाका डाल ले, डाकू बनाओ। डाकू तो बने एक दफा। हाँ हम खुद घर पर जा रहे होंगे। क्यों कब आ रही हो डाका मारने? आ जाओ बीवी मैके गई, आओ लूटो तो सही है, आओ आओ तिजोरी का मुंह खुला, आ तो सही एक दफा आओ। लूटने के बाद क्या कह रहे होंगे? क्या अबे यार 6,000 लूट के ले गए, लूटने का मजा नहीं आया।
यार तुम समझ नहीं रहे हो, आज की लड़की आज की जो औरत है ये खूबसूरत लड़की के मां से जींस टी शर्ट पहनाओ और मोहल्ले का चौकीदार बना दो, फिर मोहल्ले का कोई आदमी सोएगा? राजू भाई तो छत पे बैठे होंगे। क्यों? अरे भैया चौकीदार नहीं यार, तबीयत सही नहीं है, घर चलो। अच्छा तो ये मर्दों में तुम लड़के हो तो नाई ठीक है ना, आज की लड़की बन सकती है नाई? नाई राखी सावंत को बनवा दे, मैं हर 5 मिनट बाद जाके शेप बनवा रहा हूँ। इनको बनवा दे, सही नहीं बनी, यहाँ से बना, छील के बना दे, छील के छील के बना दे, फिर 10 मिनट बाद चलाऊंगा, जरा बाल की कटिंग कर दे, आस्ते आस्ते भवें तक कटा देंगे। भाई आज की लड़की किसी से पीछे नहीं है, देखो मर्दों की पुलिस है, मैं सोचता हूँ लड़कियों की भी पुलिस बनाऊ। जगह जगह थाने हो? जगह जगह थाना, थाने के सामने ही जुर्म कर रहे हम लोग। क्यों? बस मैंने सुना है यार मर्दों के थाने में हाँ पुलिस के साथ जो हरकत होगी हाँ तो वही हरकत मर्दों के साथ होगी औरतों के थाने में। इतने डीप में ना जाओ यार, बस मैं बता रहा हूँ औरतों की पुलिस बनाऊ दूंगा मैं। बनाओ, मैं तो घर का सामान चोरी करके आऊंगा। भाई मैंने चोरी की है, उस वक्त तक मारो जब तक जगह सुन नहीं हो जाती। यार मैं तो पता, मैं तो सोचता हूँ आज की लड़कियों का फैशन देख के जींस और टी शर्ट वाली लड़की को बस का कंडक्टर बना दिया जाए। 70 साल 80 साल वाले बूढ़े सब बस में होंगे। कहाँ जाना है बड़े मियाँ? आखिरी स्टॉप। वापसी का भी दे दो टिकट भाई, अब तो बस में से लाश निकलेगी भैया। बच्चों में जायदाद बांट के आ गया हूँ, वसीयत भी कराए नसीहत भी कराए, बस मैंने कह दिया इस बस से लाश ले जाना भाई। एक्चुअली जो मेरी कजन है ना उसे पाकिस्तानी क्रिकेटर पसंद है। कौन? इंजमाम उलक। पंजाबी में कहते हैं रन औरत को हाँ? और वो रन आउट होता है। चलो फिर मैं सोचता हूँ उसकी शादी कराऊँ शुएब अख्तर से। उससे ना कराई हुए? क्यों? उसकी स्पीड बहुत है। उससे दही मंगाओ ना, दही हाँ लस्सी लेके आता है, इतना भागता है वो। वैसे एक खिलाड़ी मुझे भी अच्छा लगता है। कौन? मैं सोचता हूँ अपनी कजन की शादी कराऊँ मैं मुइन खान से। इमरान खान से करा दे। क्यों? इमरान से शादी हुई हाँ वो अपनी हर चीज़ अस्पताल को दे देता है, ये ध्यान में रखियो। नहीं वैसे मेरा इरादा है मोइन खान से कराने का। मोइन खान से शादी हो जाएगी हाँ, ये अच्छी बात है ना। बीवी को कमरे बैठाएगा हाँ, खुद गली के नुक्कड़ पे जाएगा, फिर दरवाजे दर मुंह करके एक ही बात कर रहा होगा, क्या शाबाश शकी शाबाश। वसीम भाई ऊपर से आओ, ऊपर से आओ, ऊपर से आओ, पकड़ो 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 उसे, मैं पकड़ो, गलत आदत पड़ी हुई है। तो फिर क्रिकेटर से नहीं करवाता मैं उसकी शादी, मैं करवाता हूँ शादी बंगाली से। क्या हुआ यार? बंगाली शादी के लिए बने? फिर हंसने के लिए बने? बंगाली कम खर्च होते हैं बेचारे। कैसे? धोती बनियान में जिंदगी निकाल देते, लुंगी बनियान में। लुंगी समझता है, धोती समझता है? धोती क्या होती है? धोती धोती ना धोती ना धोती ना। दुनिया का सबसे अच्छा लिबास हाँ हवा भी लगती है। वेस्ट ओपन, वेस्ट ओपन, जब तक दिल किया पहना नींद आया उड़स हो गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। एक शेर कहना चाहूँगा, शुरू में कहना था कि अल्लाह ने वो दिन अब दिखाए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में बड़ा प्यार है, अल्लाह ये प्यार जारी और सारी रखे। इस पर एक शेर मैंने ऐसी तुकबंदी की है कि ख़त्म हो गई है दुश्मनी, बंद हो गई है नफ़रत की गोली, अब तुम मनाओ हर दिन ईद हमारे साथ, हम मनाए हर रात तुम्हारे साथ होली। कि यही है प्यार की बोली, यही है प्यार की बोली। पॉइंट्स देने से पहले मैं स्टेज पर दावत देता हूं इंडिया के श्रीकांत को। श्रीकांत आइए। तारीफ किए बगैर पाकिस्तान की जोड़ी को मिलते हैं 10 में से 9। राखी हाँ ये ले लो। थैंक यू। जब सभी एक ट्रैक पे तो हम पीछे क्यों छूटे हैं? बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगे हम। 9 9 9
श्रीकांत को पहले राउंड मिले थे 23 और दूसरे राउंड मिले थे 27। इनके टोटल हो गए हैं 50। लेकिन शकील और इमरान को पहले राउंड मिले थे 30 और फाइनल राउंड में मिले हैं इनको 27। तो इनका टोटल हो गया है 57। हमारे विनर हैं पाकिस्तान के शकील और इमरान, और इनको ग्रैंड फिनाले एपिसोड में जाने से कोई नहीं रोक सकता। इनका अगले एपिसोड में परफॉर्मेंस पक्का है।